और फिर उसके बाद जो है हम आनापानसति ध्यान अगले चरण में करेंगे। कि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो धर्म स्वयं बुद्ध ने हम सबको सिखाया है, जिसको हम लोग लगातार सभी धर्मचारियों के द्वारा सीख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तव में बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके शिष्यों ने जो है अपनी वाणी से प्रसार किया था, जिसे धर्म ग्रंथों के रूप में कहते हैं काफी वर्षों बाद हुआ है। पहले लोग कंठस्थ ही करते थे, ये लिपिबद्ध जो है बहुत बाद में हुआ है, और इसे ही हम बुद्ध वचन कह सकते हैं, अब कहते हैं बुद्ध वचन के नाम से जाना जाता है। और जो बौद्ध ग्रंथों में अक्सर हम पढ़ते हैं इस बुद्ध वचन को, या बुद्ध वचन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं जो कुछ बुद्ध ने बताया है, जो उपदेश दिया है उसी को। और वास्तव में इसके बहुत गहरे और लोगों के हित के लिए इसके मायने रखते हैं, वो हमें समझने की और उस पर अनुसरण करने की जरूरत है, जिसका हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहेंगे। कि पहले पहल हम लोग इस बात पर भाषक जोर देते हैं कि बुद्ध वचन ही बुद्ध के शब्द हैं। बुद्ध कोई राहुल और आनंद की तरह व्यक्तिगत नाम नहीं है, बल्कि यह एक उपाधि जिसका शाब्दिक अर्थ, अर्थात जो हम सभी लोग जानते हैं बुद्ध, अर्थात जिन्होंने सत्य को जान लिया या सत्य को जान लिया है, इससे हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। इसलिए बुद्ध ये नाम किसी साधारण व्यक्ति के नाम की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है बुद्ध, ऐसा प्रवचनों में अक्सर बात आती है, और जो सत्य है या यथार्थ है ना। और बुद्ध वचन का अर्थ संबोधी प्राप्त मन की वाणी के रूप में अभिव्यक्ति हम इसकी कर सकते हैं। और हालांकि हम बुद्ध वचन या बुद्ध और बुद्ध वचन के अर्थ से सब लोग भली भांति परिचित हैं या जानते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं शिविरों में या किसी उसमें या इसी ध्यान श्रद्धा में। आजकल देखो वो भी बुद्ध वचन है जो नागरथ जी आजकल महामंगल सूत्र पे ले रहे हैं, या बोध प्रकाश जी, प्रज्ञा रश्मि जी, विमल सिद्धि जी, जितने लोग हैं विमल पे, सभी लोग बुद्ध के वचनों को ही बात हम करते हैं, है ना। बहुधा बुद्ध के बारे में जिस तरह साधारण लोग बोलते हैं उसी तरह अजागरूक रूप से सोचने की हमारी प्रवृत्ति ऐसा होती है, लेकिन उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर प्रवृत्ति एक बनी रहती है, क्योंकि उन्होंने बहुधा उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो बिल्कुल वही शब्द हो, लेकिन उन शब्दों के पीछे का भाव क्या है उसका हमारे शब्दों में पूर्णता अभाव होता है, क्योंकि बुद्ध के शब्दों के पीछे बुद्धत्व की चेतना होती है। जो बुद्ध के शब्द होते हैं उसमें बुद्धत्व की चेतना होती है, इसलिए बुद्ध के शब्दों के पीछे जो बुद्धत्व की चेतना होती है उसे वही सुन सकता है जिसके पास वो कान है, है ना। कान तो हम सभी के पास है ना, लेकिन फिर भी यहाँ बंते जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि वही सुन सकता है जिसके पास कान है, क्योंकि हम धम्म का अभ्यास करते हैं, सब चीज करते हैं, ध्यान करते हैं, क्यों, उस मार्ग पे आरूढ़ होने के लिए। तो उसी लिए हम बुद्ध के वचनों को कैसे आत्मसात करें, क्योंकि ये भी कहते हैं कि अगर हम शिविर में किसी भी प्रवचन को बुद्ध के किसी भी
उसको लेके सब्जेक्ट को लेके जब प्रवचन होते हैं तो हम एक बार सुनते हैं तो अच्छा लगता है, दूसरी बार सुनते हैं तब भी लगता है कि ये तो और नया है, तीसरी बार सुनते हैं कि लगता और नया है, क्योंकि हमारे अंदर सुनने की उन शब्दों को समझने की जो शक्ति है या जिस प्रकार से हमें उन शब्दों को सुनना है उसमें थोड़ा और गहराई में हम जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए ऐसा भंते जी ने इसकी वो कही होगी और सही बात भी है। इसके अलावा इस बात को भी समझते हैं कि बुद्ध के शब्द अर्थात बुद्धत्व रूपी चेतना की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन वह इसे प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, होती तो है लेकिन प्रत्यक्ष ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बुद्धत्व की चेतना है और जो शब्द है वो सीधे सीधे बुद्धत्व रूपी चेतना को उजागर करते हैं। वास्तव में हम जिस तरह से धीरे धीरे गहराइयों में जाते हैं उसी प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताता है चाहे ध्यान के बारे में या ध्यान कराता है, केवल वो आपको एक गाइडलाइन कह सकते हैं या मार्गदर्शन कह सकते हैं, बाकी आगे बढ़ने के लिए करना हम ही को पड़ता है, दूसरा तो खाली बताता है। जैसे बुद्ध हमें मार्ग बताए हैं, रास्ता बताए हैं, चलना तो लोगों को हुआ ना। और जो पहले भी एक एक शब्द से लोग उनके वचन को सुन के श्रोतापन्न हो गए थे, तो क्योंकि वो उन शब्दों को सुनने की उनकी क्षमता जो है बहुत ज्यादा अच्छी कह सकते हैं हम आज की भाषा में, या इतना मतलब उनके अंदर वो था या उस स्तर तक पहुंचे हुए लोग थे कि जिनको एक हल्का सा पुश कर देना है, जैसे आदमी कोई ऊपर चढ़ रहा हो और आगे चढ़ने के वो ना हो, नीचे किसी कोई सहायता दे दो हल्का सा तो वो एकदम से ऊपर पहुंच जाएगा, वो हाल था उन लोगों का, क्योंकि वो भी अभ्यास करते थे। तो इसीलिए इसे बुद्धत्व की चेतना और जो शब्द इसे बुद्धत्व रूपी चेतना को हम उजागर इस प्रकार से कर सकते हैं, वास्तव में ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि बुद्धत्व रूपी चेतना साधारण मनुष्य की भाषा के रूप में उसकी अभिव्यक्ति के बीच में होने के और उसके अनुभव के स्तर जो है ना, जो उसकी मनुष्य में साधारण मनुष्य में और उसके अनुभव की बात जो हमने कहा जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं अनुभवित कर रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से बुद्ध वचनों में इन स्तरों का समावेश होता है, एक के बाद एक इन स्तरों को हम देख सकते हैं इसके हर एक स्तर पे। इसीलिए हम ध्यान भी करते हैं तो देखो अलग अलग पारियां होती है, पारियां आनापान सती में हमें एकाग्र होने के लिए होती है, लेकिन पारियां क्यों होती है, इसीलिए कि पहली पारी में हम उतना एकाग्र नहीं हो पाते हैं तो शुरुआत होती है, अगली पारी में और ज्यादा गहराई में जाते हैं। इसी प्रकार इनके शब्दों को समझने के लिए सब स्तर अलग अलग होते हैं, वो एक बार में ऐसा नहीं होता, जब जब हम सुनेंगे हमें तब तब और अच्छा लगेगा, नया सा लगेगा। और उन स्तरों में हम पहला कह सकते हैं जिसे बुद्ध या बुद्ध का मन या बुद्धत्व का मन हम कह सकते हैं, ऐसी बात। ये सभी स्तरों से भी वास्तव में जिस बुद्धत्व रूपी मन की अभिव्यक्ति को हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, बुद्धत्व रूपी मन वो कैसे होता है इसके बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धत्व के मन में आप पर भेद नहीं होता है, जो बुद्धत्व रूपी मन होता है उसमें भेद नहीं होता आप पर किसी प्रकार का, जबकि साधारण चेतना पर जो होती है आप पर भेद की ही पकड़ होती है, आम लोग भेद ही करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बुद्धत्व रूपी मन में ऐसा कुछ नहीं होता है, अतः शायद ही हम बुद्धत्व रूपी मन को समझ पाते हैं, इसलिए हम लोग इतने दिन से लगे हुए हैं, लेकिन अभी कहाँ है ये
हमें भी नहीं पता है ना। इसलिए हम सभी लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज को जानने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इतना भी हम कह सकते हैं कि बुद्धत्व रूपी मन अर्थात बुद्ध भेदभाव रहित जागृति और परम शून्य होता है। ये समझ सकते हैं, परम शून्य जो भेदभाव रहित होता है, शुद्ध होता है ना। जैसे हम जब बुद्ध का संदर्शन करते हैं या संदर्शन साधना करते हैं, उसमें भी जब हम चीजों को विजुलाइज करते हैं तब भी यही होता, हम शुद्ध हो रहे हैं जब प्रकाश को देखते हैं। तो ये शुद्ध वास्तव में ऐसा जब हम गहराई में जागते हैं तो हमें महसूस होता है, सब कुछ शून्य दिखाई देता, वास्तव में कुछ भी नहीं है। और वास्तव में ये परम जो है सतत चमकदार प्रभावकर या अत्यधिक पुंज की तरह होता है, जो आध्यात्मिक पुंज जिसे हम कहते हैं उसकी तरह होता है। अर्थात ये मानवीय समझ से परे एवं परम सुख शांति और संपूर्ण संतोष प्रदान करने वाली अवस्था होती है। ये तो संतोष या संतुष्टि, ये सारी बात देखो हमारे उसमें जब शुरुआत में सीलों की बात करते हैं वहां भी आता है ना। इन सब शब्दों का वर्णन होता है लेकिन हम कितना उसको आत्मसात करते हैं। तो इसीलिए ये जो है संपूर्ण संतोष प्राप्त करने वाली अवस्था होती है और परम सुख और शांति की अवस्था होती है। इसे जानने के लिए कुछ भी नहीं होता, अर्थात सब कुछ ज्ञात समय और स्थान से परे ऊपर होता है, सभी प्रकार की सीमाओं से परे होता है, किसी असीमित विशाल समुद्र के तौर पर रूपात्मक दृष्टि से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और ऐसे ही किया है हर एक, उसमें चाहे चित्रों के माध्यम से ले लो, चाहे आकृतियों के माध्यम से ले लो, या कैसे भी अलग अलग तरह से, या कलर के माध्यम से बताया गया है, जिसकी एक बूंद में छोटी सी लहर में असंग ब्रह्मांडों का समावेश होता है, एक शब्द। इसलिए पहले भी कहते हैं कि अगर बुद्ध के एक शब्द से हम शुरू करते हैं तो वो प्रकाश पुंज इसलिए कहा जाता है, उसी तरह प्रकाश पुंज की तरह बढ़ता हुआ चला जाता है। शुरू हम बुद्ध से होते हैं लेकिन वो सीधा बढ़ता हुआ कितना असंख्य, इसलिए असंख्य ब्रह्मांड का समावेश होता है, इसलिए कहा जाता है। और स्थान और समय के भीतर जिस पर बुद्ध मन के बारे में हम बोलते हैं, वास्तव में इस अवस्था में उसका पूर्णतः रूपांतरण होता है। और जिसमें अप्रबुद्ध मन के स्तर पर अप्रबुद्ध मन के से वार्तालाप करने वाली इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए तो हम शुरू में जब वंदना होती है इसी ध्यान संध्या कार्यक्रम में, क्या होता, हमें एक माहौल मिलता है, हमें जो है एक श्रद्धा उत्पन्न होती है उन बुद्ध वचनों को सुनने के लिए। हम ध्यान करेंगे तो उसके लिए हमें पहले से ही एक वातावरण निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। इसीलिए ये अवस्था होती है रूपांतरण की, ये शुरुआत यहीं से होती है और यहीं से हमें बुद्ध वचन सुनने की जो इच्छा है वो उत्पन्न होती है। और इसके लिए कुछ भी बचता नहीं है, संबोधि केवल संबोधि से वार्तालाप करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। संबोधि प्राप्त व्यक्ति को संबोधि प्राप्त वाला ही समझ सकता है, हम लोग नहीं समझ सकते जो जिस स्तर का होगा। इस संदिग्धता को हम करुणा के रूप में भी पहचान सकते हैं। सर्वोच्च अवस्था में ये वार्तालाप बड़ा ही सूक्ष्म होता है, इसके बारे में साक्षात या स्थूल रूप से कुछ भी नहीं होता।
वो किसी सूक्ष्म तरंग की या लहर की तरह होता है, बहुत सूक्ष्म तरंग या लहर की तरह होता है जो प्रबुद्ध मन से ऐसे मन को की ओर से जो एक गुजरता है, मतलब उसकी एक झलक सी हमें दिखती है, एक बहुत छोटी लहर या तरंग के रूप में जो संबोधि के बिल्कुल करीब है। इस तरंग के बारे में हम काल्पनिक शब्दों की तरह किसी अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि की तरह सोच सकते हैं, है ना। तो अत्यंत जो ये सूक्ष्म ध्वनि की तरंग की तरह काल्पनिक तौर पर हम सोच सकते हैं कि ऐसा हमारे कानों के द्वारा स्थूल रूप में जाने वाले बाहरी शब्दों की तरह नहीं, सर्व सामान्य मानसिक अर्थों में भीतरी कानों द्वारा सुने गए शब्दों की तरह भी नहीं, तो एक प्रकार से बिल्कुल आरंभिक आदिम यांत्रिक ध्वनि की तरह होती है। आध्यात्मिक जगत के स्तर पर हम जिसे ध्वनि के रूप में जानते हैं यह समकक्ष हो जाती है इस ध्वन को, या बिना ध्वन वाली ध्वन की सर्वोच्च अर्थों में बुद्ध वचन कहते हैं। ये जो ध्वन होती है इसे ही हम सर्वोच्च, अगर अच्छी उच्च स्तरीय वो करें इस ध्वन को, तो उसे ही हम बुद्ध वचन कह सकते हैं। ये ध्वनि वास्तव में प्रत्यक्ष सत्य या बुद्ध मन के द्वारा ही दी जाती है, पर बुद्ध चेतना समय या स्थान तक सीमित नहीं होती है, इसलिए ये ध्वनि सार्वभौमिक रूप से सदा सर्वदा गूंजती रहती है। और इस आरंभिक जो ब्राह्मणी ध्वनि है को हम ओम जो इस यंत्र के द्वारा या इस मंत्र के द्वारा पहचान सकते हैं, सर्वसाधारण मानवीय जिह्वा द्वारा उच्चारित ओम नहीं, बल्कि चेतना की उच्चतर अवस्था होती है। एक गहरे ध्यान की अवस्था में इसे कभी कभी सुना जा सकता है, क्योंकि बुद्ध मन की व्याप्ति सर्वत्र है, अतः ये जो है विश्व के सभी दृश्य वस्तुओं से इसे आते हुए भी हम सुन सकते हैं। बहुत आगे की बात, बहुत गहराई की बात है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि बुद्धत्व चेतना का अर्थ महासागर की तरह है, और समस्त दृश्य वस्तुएं उसमें उठने वाली लहरें जो हैं, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, ये सब महासागर की तरह हैं। समस्त दृश्य लहरों की तरह हैं, मानो प्रत्येक लहर जो है, प्रत्येक झाग जो उसमें होता है, है ना, सदा सर्वदा केवल ओम ही दोहरा रहा है। और इस विश्व की प्रत्येक दृश्य वस्तु में सिर्फ ओम ही प्रध्वनित हो रहा है। ऐसा जब हम संदर्शन साधना करते हैं तो हम देख सकते हैं, प्रारंभिक साधना में देख सकते हैं, और जब बहुत ही इसका गहराई में अनुभव करते हैं तो हो सकता है। और इसके बारे में जो ये संघाराम करते हैं सुभूति जी के साथ, जिसमें विमल सिद्धि जी को अच्छी तरह है, कितने उन्होंने वो करते हैं डेली, हमने जो देखा है उनको, अभी देहरादून में आए थे, 3:30 बजे उठ के वो शरण ब्रिज साधना करते हैं। तो ये लोग जो इतना करते हैं उनको ये झलक या अनुभव हो सकता है। हम भी इससे दूर हैं, हम भी किताबों से पढ़ के, या जैसे भंते जी ने बताया, हम बता सकते हैं लेकिन हम भी जब अपने से ऊपर के व्यक्ति से मिलते हैं और जब सुनते हैं तो हमारे अंदर में भी वो झनकार उत्पन्न होती है, ऐसी तरंग उत्पन्न होती है कि हम भी क्यों ना ऐसा करें। जैसे अभी विमल सिद्धि जी आए थे देहरादून में, उनके साथ थे, तो हमने शरण वृक्ष साधना की थी, तो उसमें देखा था, और तब से उनके साथ में होते हुए, है ना, और मैंने भी तब से करना शुरू किया, वास्तव में उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है ना।
ये सब बातें हम खाली पढ़ने से नहीं, उसको अपनी कृति में लाते हैं तब भी हमें महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है, तुरंत कभी नहीं होता है। तो ये बात है। और इस मंत्र को बुद्ध शब्द से सुना जा सकता है, इसे सुनकर ही सब कुछ सुना और समझा जा सकता है। इस अखंडित एक ध्वनि से में शब्दों और विचारों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रतिमा की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस इकलौती आरंभिक ध्वनि में सब कुछ सुना समझा और जाना जा सकता है। ये ध्वनि बुद्ध मन से उभरती है। वास्तव में जब श्रद्धावान होते हैं, जब हम उनके वचनों को सुनकर अत्यंत गहराई में जाने की सोचते हैं, तो दूसरा तल क्या होता है, अर्थात आदर्श भूत प्रतिमाओं का तल होता है, जो हम प्रतिमाओं के माध्यम से जो प्रबुद्ध मन है वो एक तल नीचे उतरकर आदर्श भूत प्रतिमाओं के तल पर आ जाता है। प्रतिमाओं के इस तल पर सूर्य चंद्रमा प्रकाश अंधकार स्वर्ग नरक जितनी भी प्रतिमाएं हैं, पक्षी जानवर फूलों की जो प्रतिमाएं हैं, बारिश है हवा है बिजली है, इन सब की प्रतिमाएं, साथ ही बुद्ध बोधिसत्व देव देवियां या शांत या रौद्र रूप, मतलब हर एक तरह की प्रतिमाएं जो शायद इन इन सब में ज्यादा रंग बिरंगी चमकीली और अनंत आकाश की गहराई से उत्पन्न होती है। ये प्रतिमाओं के माध्यम से भी हम इसको जान सकते हैं। ये ना तो किसी वैयक्तिक मानवीय मन से निर्मित होती है और ना ही किसी सामूहिक जागरूक या अजागरूक चेतना से। जहां तक संवाद का तल है, इसमें प्रतिमाएं किसी भी सूरत में निर्मित नहीं की जा सकती हैं। इनका स्वयं प्रबुद्ध चेतना के साथ ही अस्तित्व होता है, जो कैसे सनातन, जो पहले से ऐसा होता है। ये प्रतिमाएं रूप और रंग के रूप में सब कुछ प्रकट करती हैं। इस तल पर किसी शब्द विचार या मन की आवश्यकता नहीं होती है। इस तल पर संवाद शायद उतना सूक्ष्म नहीं होता जितना यांत्रिक ध्वनि के तल पर होता है, लेकिन हमारे सर्वसाधारण अनुभव की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। बहुत होता है जब ध्यान में जाते हैं, देखते हैं हम लोग तमाम तरह तरह के रंग, हम कलर देखते हैं, दिखता है जब एकाग्र होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, उन प्रतिमाओं को भी देख सकते हैं, उससे भी हम खुश हो सकते हैं, उससे भी अनुभूति ले सकते हैं। बहुत सारी बातें इसमें होती हैं। और तीसरा तल वो है कि जो वैचारिक धारणाओं का है। यहाँ पर हम एक तल नीचे आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रबुद्ध मन जो निचले तल पर आ रहा है, लिहाजा यहाँ वो अप्रबुद्ध चेतना द्वारा स्वयं को विचारों के रूप में व्यक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, है ना। इसमें वास्तव में वैचारिक धारणाएं प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध दोनों के लिए संवाद का एक जैसा मार्ग है। भले ही वो वैचारिक धारणाएं अप्रबुद्ध मन द्वारा निर्मित की जाती हों, लेकिन प्रबुद्ध मन द्वारा अपने उच्च या उच्चतर उद्देश्य की खातिर इनमें बदलाव किया जाता है। हम जितना आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम उसमें धीरे 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 बदलाव आता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे बौद्ध तत्वज्ञान और दर्शन के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें स्पष्ट संकेत मिलता है। बौद्ध तत्वज्ञान या बौद्ध दर्शन में सर्वसाधारण अप्रबुद्ध बौद्ध या तुलनात्मक रूप से नामधारी बौद्धों के मतों का समावेश नहीं होता है, ये हम समझ सकते हैं। और वास्तव में विचारों के माध्यम से हम संवाद प्रस्तावित जो करने के लिए प्रयत्नों की तरह एक श्रृंखला है, जिसे प्रतीत समुत्पाद द्वारा या तत्व ज्ञान सिद्धांत
इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। और इसी प्रकार हम एक स्तर और नीचे जाते हैं तो यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि शब्दों और विचारों को अलग नहीं किया जा सकता। जो विचार आते हैं, जो शब्द आते हैं, इसमें कहते हैं अलग नहीं किया जा सकता, निश्चित तौर पर दोनों के बीच के संबंध काफी करीब होते हैं। वास्तव में प्रतीकों और विचारों से भी ज्यादा करीब होता है, फिर भी वे एक जैसे नहीं होते। कभी कभी कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं उतार सकते हैं, ऐसा भी होता है। और कुछ हद तक इन चार स्तरों को खंगालने के पश्चात हम देखते हैं क्या होता है। सर्व समान मनुष्य की भाषा के रूप में इसकी अभिव्यक्ति प्रबुद्ध चेतना या बुद्ध मन के बीच विशाल खाई होती है। हमें ये बात स्पष्ट समझ सकते हैं इसके जब हम इसको इस स्तर पर पहुंचते हैं, इसके प्राप्ति के पश्चात ही समझ सकते हैं हम बुद्ध को कितने स्तर नीचे आना पड़ा होगा। हमें बड़ी सावधानी पूर्वक बुद्ध के विभिन्न चरणों में नीचे आने के बारे में सोचना होगा, समझना होगा, उसमें जाना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम भी बुद्ध की तरह बनने का प्रयास करते हैं, जबकि हम उनके प्रारंभिक चरणों को छोड़ने के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसलिए बुद्ध वचन इस शब्द में चारों का समावेश होता है। आरंभिक, यांत्रिक, ध्वनि, आदर्शभूत प्रतिमाएं और शब्द केवल शब्दों के स्तर पर ही नहीं, बल्कि इन सभी स्तरों पर धम्म का समावेश होता है इन सब बातों में, क्योंकि ये धम्म से ही हम सुनते हैं, जो बुद्ध के वचन है उन्हीं से सुनते हैं। इसीलिए हम आगे वैसा करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम बुद्ध जैसा बनने का प्रयास करते हैं। हम बुद्ध तो नहीं बन सकते, या बन भी सकते हैं कुछ लोग, या बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम प्रयास करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मार्ग पर चलना एक बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि ध्यान भी कराना है और इतना ज्यादा नहीं बोल सकते। आप लोगों ने हमें सुना, कुछ बातों को हमने रखा है जो भंते जी की शिक्षाओं पर आधारित थी, तो उसके लिए हम सभी लोगों को अंतर्मन से प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और इसी के साथ उर्मिला बोध जी, साधु साधु साधु। तो सच में तथागत बुद्ध है के वचन या बुद्ध की वाणी को एकाग्र होकर सुनते हैं तो हमें बार बार सुनने का मन करता है, और हम हमेशा नया नया सुनते हैं और सीखते हैं।